मेरे पास एक है आपके सामने बड़ा प्यारा सा बड़ा मज़ेदार पेन आपके सामने। जी फ्रेंड्स, इसको इस तरह से छोड़ते हैं तो नीचे गिर जाता है, इसको इस तरह से छोड़ते हैं तो नीचे गिर जाता है। आप ये मैजिक पेन के साथ भी कर सकते हैं, पेंसिल के साथ भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है आप ये मैजिक किस चीज़ के साथ करना चाहते हैं। मेरे पास एक है ये बड़ा मज़ेदार पेन, ओके। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले पेन के साथ करके, फिर मैं आपको इसको सिखाऊंगा। इस पेन को नीचे छोड़ते हैं तो क्या होता है, नीचे गिर जाता है। पेन नीचे क्यों गिरा, क्योंकि नीचे फोर्स ग्रेविटी लगी हुई है। इस वजह से, यह है साइंस की थोड़ी टेक्नोलॉजी कि फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ये पेन नीचे गिर जाता है। चलिए कुछ ऐसा करते हैं कि पेन नीचे ना गिरे, ऐसे इस तरह से छोड़ते हैं तो पेन नीचे ना गिरे। चलिए यहाँ पर आपके सामने नब्स वगैरह हैं, ओके। डॉक्टर बताता ना आपको बीमारी वगैरह, ऐसे नब्स चेक करके, ऐसे पुराने ज़माने में ऐसे हाथ पकड़ के नब्स चेक करते थे, तो फिर उसके बाद डॉक्टर जो है पल्स वगैरह देखते थे, ओके। और भी टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, तो अब इसके साथ दिखाते हैं जा रहा हूँ मैं आपको मैजिक। इस तरह से मैंने अपनी नब्स को वैसे पकड़ा और ये आपके सामने मैजिक जादू। यस, मैजिक, पांचों उंगलियां मेरी आपके सामने, चारों उंगलियां अंगूठा, पांचों उंगलियां आपके सामने हैं और पेन नीचे नहीं गिरा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी कर सकते हैं इस तरह बड़ा मज़ेदार मैजिक, और किसी को भी कहीं पर भी करके दिखाइए और सभी को हैरान कर दीजिए। ये फ्रेंड्स, चलिए एक बार मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ इस मैजिक को, उसके बाद मैं आपको इस ये मैजिक सिखाऊंगा। ये आपके सामने ये है पेन इस तरह से, ओके, मैंने कैच कर लिया, ओके। इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और ये आपके सामने, मैंने इसको अपने हाथ को, कलाई को पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया। अब मैं धीरे धीरे अपनी फिंगर्स खोलने जा रहा हूँ। यस, मैजिक, सारी उंगलियाँ मेरी आपके सामने हिलती हुई, ओके। ये आपके सामने मैजिक, बड़ा प्यारा मैजिक। ये मैंने मैजिक दिखाया आपको, कितना प्यारा मैजिक है। चलिए अब मैं आपको इस मैजिक को सिखाने जा रहा हूँ। इस मैजिक को आप कर सकते हैं, बच्चे हों या बड़े हों, सभी इस मैजिक को आसानी से कर सकते हैं और कहीं पर भी किसी को भी करके दिखा सकते हैं। जी फ्रेंड्स, याद रहे, आपकी बैक साइड में और साइड्स में कोई खड़ा ना हो, अगर कोई खड़ा है तो उसको सामने बुला लीजिए और उसके बाद आप ये मैजिक उसको करके दिखाइए। चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको चाहिए एक पेन या फिर पेंसिल, जैसे आपकी इच्छा हो वो आप लीजिए। इसके बाद फिर आप इसको इस तरह से करेंगे, ऐसे छोड़ के दिखाइए, बोलिए साथ में, इसको नीचे छोड़ते हैं तो पेन नीचे गिर जाता है, फिर इसको इस तरह से नीचे छोड़ते हैं तो पेन नीचे गिर जाता है। इस तरह से आप दो तीन बार ऐसे छोड़ के दिखाइए पेन को, अपने दूसरे हाथ में ऐसे ड्रॉप करके दिखाइए, जिससे सामने वालों को भी लगे हाँ भाई पेन तो नीचे गिर रहा है, ओके। यहाँ तक कि अगर पेन या पेंसिल आप किसी और से लेना चाहें तो किसी और के पेन से या किसी और की पेंसिल से भी आप ये मैजिक कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी को भी करके दिखा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, अगर आप अपना पेन निकाल के दिखाना चाहें तो भी दिखा सकते हैं, अगर आप किसी और का पेन लेकर के उससे दिखाना चाहें या पेंसिल से दिखाना चाहें तो उससे भी आप इस मैजिक को करके दिखा सकते हैं। तो अपने हाथों को भी आप चेक करवा सकते हैं, आपने कोई भी यहाँ पर ग्लू या चिपकने वाली कोई पदार्थ नहीं लगाया है, कोई टेप नहीं लगाई है, आप अपने हाथ भी चेक करवाना चाहें तो हाथ भी अपने चेक करा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको सिखाता हूँ इतना प्यारा मैजिक, किसी को भी कहीं पर भी करके दिखा सकते हैं। चलिए, ये आपने ऐसे इस तरह से छोड़ा, पेन नीचे गिर गया, इस तरह से छोड़ा, पेन नीचे गिर गया। अब उसके बाद आपने यहाँ पर अपने डायलॉग्स का इस्तेमाल करना है, यहाँ अपने उनको
दूसरी जगह पर बातों में लगाना है। कैसे? आप बताएंगे, मैं यहाँ पर, ये नब्ज़ होती है, इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे ऐसा आपने सिर्फ बोलना है, ये सिर्फ आपकी एक्टिंग है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। जी फ्रेंड्स, ये आपकी सिर्फ एक एक्टिंग है बातों में उलझाने की, और अपना दूसरा मैजिक, दूसरा टेक्निक इसके अंदर यूज़ करने की। असलियत के अंदर कोई हाथ में नब्ज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है इस मैजिक को परफॉर्म करने के लिए। इसकी बट छोटी सी एक कलाकारी है, छोटी सी एक टेक्निक है, छोटी सी एक हाथ की सफाई है आपके सामने। चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं आपको और सिखाते हैं आपको किस तरह से आप भी ये मैजिक कर सकते हैं और सभी को हैरान कर सकते हैं। आप इस तरह से दिखाइए छोड़ के, इस तरह दिखाइए छोड़ के, इस तरह से बोलिए, यहाँ से मैंने अपने हाथ को पकड़ा और इस तरह से ये इसको धीरे धीरे अपने हाथ को ऐसे खोल लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका राज बताने जा रहा हूँ। राज है आपके सामने ये रहा आपके सामने, ये रही मैंने फिंगर के साथ इसको पकड़ा हुआ है पेन को। चलिए फ्रेंड्स, फिंगर यहाँ पर आई कैसे, कैसे मैंने यहाँ पर फिंगर लगाई, चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ और बताता हूँ धीरे धीरे स्लो मोशन में किस तरह से आपने यहाँ पर लेके आनी है अपनी फिंगर। चलिए फ्रेंड्स, जिस तरह से आप इस तरह ऐसे ऐसे ड्रॉप करके दिखाएंगे, अब आपने इस तरह से ऐसे अपने हाथ को पकड़ा, अब जिस तरह ऐसे पकड़ा, जैसे जैसे आप टर्न करेंगे वैसे वैसे आपकी फिंगर यहाँ पर आ जाएगी और इसको आप ऐसे पकड़ लेंगे। ये मैंने आपको बैक साइड से दिखाया है, और फ्रंट साइड से देखिए क्या होता है। ये मैंने इस तरह से ड्रॉप किया, ऐसे पकड़ा, अब ये है फ्रंट साइड, आपको मेरे हाथ का उल्टा हाथ दिख रहा है, उंगलियाँ इस तरह से नहीं दिख रही हैं। ओके, लेफ्ट हैंड, दिस इज़ माई राइट हैंड। इस तरह से कीजिए, ऐसे छोड़ के दिखाइए, ऐसे कीजिए, ऐसे पकड़िए अपने हाथ की कलाई को, इस तरह से अंगूठे से इसको ऐसे पकड़िए, और ऐसे ऐसे आप स्लाइड कर रहे हैं इस तरह से, और साथ में आपकी ये वाली फिंगर इस तरह से ऐसे जा रही है, और ये आपने इसके पीछे अच्छे से लगा ली। यहाँ पर ये देखिए तीन उंगलियाँ हैं, यहाँ पर ये अंगूठा है, और इसको आपने धीरे धीरे अपने हाथ की, जितनी आप धीरे धीरे खोलेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ेगा सामने वाले को देखने के लिए। ओके, तो आप अपनी उंगलियाँ हिला सकते हैं, अपना थंब भी हिला सकते हैं, और ध्यान रहे आपकी पिछली साइड में जो होगा उसको ये उंगली नज़र आएगी, इसलिए आपकी जो बैक साइड में कोई भी खड़ा है, साइड्स में कोई भी खड़ा है, उसको पहले आगे बुला लें, उसके बाद आप इस मैजिक को परफॉर्म कीजिए। इस मैजिक को आप जहाँ चाहें वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं।